भजन कीर्तन कुछ भी करते हैं तो आप MP3 में करोकी बना के रख सकते हैं। इधर मिडी भी अलग से चलता है, ये बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। इसमें MP3 भी चलता है और मिडी भी चलता है और वेव भी चलता है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ये म्यूजिक टोन है जो अभी जो मैंने बजाया था। हेलो गाइस, वनकम। सो एज यूजुअल मैं कर लेता हूँ अपने हाथ को सैनिटाइज। मैं रेडी हो गया और चेयर भी आ गया तो मैं विराजमान हो जाता हूँ। तो ऑलरेडी मैं सबका अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, रिव्यू डाल रहा हूँ। आप पसंद कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। सो टुडे इज़ द रोलैंड BK3 इज़ अ डीप रिव्यू। पिन ड्राइव कैसे यूज़ करते हैं, कुछ ट्रैक ऑप्शंस, कुछ एडवांस ऑप्शंस, डिटेल ऑप्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें MP3 सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और ये एक प्रोफेशनल कीबोर्ड है, नॉट फॉर बिगिनर्स, नॉट फॉर फ्रेशर्स। अगर आप कलाकार हैं या स्टेज परफॉर्मर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट कीबोर्ड है, लेकिन फ्रेशर्स भी ले सकते हैं, बिगिनर्स भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बजट भी बदल जाता है, ऑप्शंस भी थोड़े से एडवांस होते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ आई लिंक को फॉलो करते रहें, उसमें बहुत से ऑप्शंस फ्यूचर्स भरे पड़े हैं। बीज इंडिया जेम्स इस वेबसाइट्स में जाकर आप हमसे ऑफर्स ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मार्केट से आपको 25-30% आपको कम में मिलता है। तो चलिए मूव करते हैं रोलैंड BK3, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते। सबसे पहले पीछे इसमें होता है पावर प्लग और मैं यहाँ पर पेन ड्राइव का ऑप्शन है, यहाँ पर पुश बटन है, इसको मैं प्रेस करता हूँ। ब्लू कलर का बहुत ही सुंदर स्क्रीन ऑन हो जाता है और उस स्क्रीन में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिसे मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ अनबॉक्सिंग में। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डीप रिव्यू डिटेल्ड मतलब अंदर की बात कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले टोन्स इसके दाई तरफ आपको मिलते हैं, कलेक्शन पियानो, ई पियानो, ऑर्गो, अकॉर्डियन, ई गिटार, बास, ए गिटार, एक्यूस्टिक गिटार यानी स्ट्रिंग्स, वोकल्स, जैक्साफोन्स, सिंथेसाइजर्स और पैड एंथिक। इसमें इंडियन टोन्स मिल जाते हैं, परकशन, SFX और ड्रम्स। तो 0 से लेकर आपको 9 तक इसमें मिल जाते हैं। अब मैं साथ साथ सस्टेन दिखाता हूँ, सस्टेन पैडल किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आपको कई बार मैं बता चुका हूँ सस्टेन पैडल ये है बहुत ही कम बजट वाला, ठीक है, मिड रेंज में आता है। इस तरीके से मैं आपको पिक्चर में भी दिखाता हूँ, ये 900-1200 तक का मार्केट में मिलता है, लोग इसको 2000 का भी बेचते हैं। मेरे पास ये ऑफर में मैं देता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को सिर्फ 1200 रुपये में या 1300 रुपये में अच्छा वाला है। सस्ता वाला भी एक आता है 850-900 का, वो बेकार हो जाता है थोड़े दिन में, लेकिन ये इसका स्प्रिंग थोड़ा ज़्यादा दिन चलता है। तो आपको पता, सबसे पहले इसको सस्टेन पैडल में पीछे लगा दिया जाता है, ये रहा सस्टेन पैडल का जगह, स्विच इसको मैं प्लग कर चुका हूँ और इसको मैं दिखाता हूँ आप कैसे यूज़ किया जाता है ना। अभी ये नॉर्मल साउंड, ये डबिंग है, हो सकता है तमिल आपको बीच में सुनाई दे रहा हो। ओके, इप्पा साउंड बढ़ गया पारे, ये बिना सस्टेन का आवाज़ है। अब मैं सस्टेन प्रेस करने जा रहा हूँ, इसको पैर से प्रेस किया जाता है, मैं आपको दिखाने के लिए हाथ से प्रेस कर रहा हूँ और अब देखिए आवाज़ कैसे आवाज़ आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है, सभी कीबोर्ड में इस तरीके से यूज़ किया जाता है सस्टेन पैडल सब में, चाहे 5000 का कीबोर्ड हो, चाहे 50000 का हो, चाहे 5 लाख का कीबोर्ड, सब में ऐसी होता है, सस्टेन पैडल को पैर से दबाया जाता है और आवाज़ इसमें सस्टेन हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। अब देखिए बहुत ही सुंदर है, उम्दा है, मतलब मज़ा जाता है, एक मतलब एक बेहतरीन कलाकार का परफॉर्मेंस मिलता है। तो पियानो कैसे बताया जाता है, देखिए जैसे पियानो का बटन मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, जैसे एक ही बटन है,
जिस इंस्ट्रूमेंट्स कैटेगरी में जाना चाहता हूँ उस कैटेगरी को मैं ले लूँगा, और जहाँ पर जिस बटन को दबाऊंगा वहाँ पर लाइट दब जाएगा और लाइट चल जाएगा रेड कलर का, जैसे ड्रम्स है। देन प्रकोशंस, देन पैड एंड थिक सिंथेसर्स, देन जैक्सा ब्रश, the next one strings, the next one a acoustic guitar sustain use pandren, ye tamil dubbing hai, ho sakta hai aapko tamil sunai de, kshama chahta hu. The next one e guitar bass, yeah. बहुत ही रिच टोन इसमें मिल रहा है, मतलब प्रोफेशनल लेवल का। देन पियानो, सो लगभग काफ़ी अच्छा है। न्यूमेरिक पैड भी है, जैसे नंबर भी आप लगा सकते हैं, जैसे कीज के नीचे देखेंगे 0 1 2 3, कई जगह न्यूमेरिक पैड होता है, यहाँ पर अलग से एक पैड होता है टेलीफोन पैड की तरह, जैसे नंबर जो दिखा रहा हूँ मैं पिक्चर में आपको, लेकिन इसमें इन्होंने इसमें बटन जैसे दे दिया, आप जैसे न्यूमेरिक लगा सकते, जैसे न्यूमेरिक बटन ये प्रेस कर रहा हूँ, मान लीजिए ये सारे बटन जल पड़े, अब यहाँ पर न्यूमेरिक आ गए, जैसे मान लीजिए मैं बटन दबाता हूँ 345, तीन एक बार दबाया, चार दबाया, पांच दबाया और यहाँ पर आ गया 345 और मैं एंटर कर दूंगा और 345 में सीधा चला जाएगा, तो यानी न्यूमेरिक पैड भी है। तो इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं इस कीबोर्ड में, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, आपको मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि सब बता दूँ। और इस कीबोर्ड का पर्पज़ क्या है, ये एक बहुत ही बेहतरीन कलाकारों के लिए बनाया गया है, म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा में उस टोन की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है, मतलब हाई क्वालिटी होती है, मतलब काफ़ी उसका जो साउंड होता है मतलब सुनने में आकर्षित करता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि 103% कभी कभी 110% जो क्वालिटी अच्छी मिलती है टोन्स की, जैसे हारमोनियम हो गया, सितार हो गया या फ्लूट हो गया, पियानो हो गया, मैं उसमें कुछ और आपको मैं कुछ पीसेस लेकर दिखाता हूँ, जाता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे पियानो, ई पियानो, रेगुलर पियानो कह सकते हैं, नेचुरल पियानो, ठीक है, तो मैं इस बटन को दबा के मैं बदल भी सकता हूँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, ये अप डाउन है, इससे बदलेगा नहीं, इससे बदलेगा लेकिन एंटर दबाना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं अब देखिए जैसे ज़ीरो, अब मैं डायरेक्ट इससे क्या करूँगा, नंबर भी बदल जाएगा, टोन भी बदल जाएगा, ये पीछे ये डिक्रीज़ और ये इंक्रीज़, बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा, अगला 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 अगला, ये देखिए इधर इंक्रीज बढ़ रहा है टोन आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है, और लेकिन परफॉर्मेंस करते समय मान लीजिए मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं कुछ, अगर मान लीजिए मैं अभी मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं और मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं बजाते बजाते स्टेज में मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग्स वोकल चाहिए और उसके बाद मुझे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा स्ट्रिंग्स चाहिए मान लीजिए, और मेरा परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके बाद मैं एंटर करूँगा तभी मुझे वो दूसरा टोन मिलेगा जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है। एंथेटिक साउंड्स बहुत ही प्यारा होता है, जो इंडियन टोन्स के जो होते हैं बैकग्राउंड्स में, जैसे फिल्म्स में, पिक्चर्स में, फिल्मों में जैसे टोन्स देते हैं बैकग्राउंड में, तो वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इसमें मिलता है। इस तरीके से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सिंथेसाइज़र्स हो गया ये, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको लगभग अच्छी तरह से सब कुछ सिखा सकूँ, समझा सकूँ, ये सिंथेसाइज़र्स हैं, मैं कोई भी फिल्मी गाना नहीं बजाऊंगा, कॉपीराइट प्रॉब्लम, स्ट्राइकआउट प्रॉब्लम है, मेरा काम है आप लोगों को इसके साथ मुलाकात करवाना, आपको इसके साथ बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, आपको आता है तो आप बजा लीजिए, कोई भी गाना बजा के देख लीजिए। अब इसमें रिवर्ब मिल रहा है, देखिए इस तरीके से काफ़ी टोन इसके अंदर भरे पड़े हैं, इसमें काफ़ी टोन भरे पड़े हैं, जैसे अब i500 को इसके साथ मैच करेंगे, i500 और भी कई मॉडल, तो इसमें काफ़ी रिदम्स और काफ़ी सारे इसमें आपके कोई भी टोन इस तरह से बदल सकते हैं।
थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये डीप रिव्यू है। वैसे आप अगर अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ये म्यूजिक टोन है जो अभी जो मैंने बजाया था, उसके साथ आज इसमें ऑक्टावा मिल जाता है, ऑक्टिवा माइनस प्लस, ये सब लगभग काफ़ी बता चुका हूँ। जैसे कि आप कलाकार हैं तो आपको इसको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं और साथ साथ मैं मुझे ये भरोसा था कि आप जो लोग देख रहे हैं आप प्रोफेशनल होंगे, क्योंकि BK3 मामूली लोग नहीं देखते। कहने का मतलब है जो नए होते हैं कलाकार उन लोगों के लिए ज़्यादा समझ नहीं आता। BK3 अगर जो पसंद कर रहा है या देख रहा है तो उसका मतलब है कि वो एक कलाकार है। तो आपके अंदर की कला को और ज़्यादा मैं बढ़ाना चाहता हूँ, स्पिल्ट बटन को दबाना चाहता हूँ। स्पिल्ट को कैसे मैं चेंज करना है, आप माइनस प्लस करके स्पिल्ट के पोजीशन को बदल सकते हैं। जैसे आप माइनस प्लस करके देखिए C4 कीज का नाम एंटर कर रहा हूँ, बदल गया। एग्जिट्स कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हैं, उसके बाद आप बाहर आना चाहते हैं तो डायरेक्ट एग्जिट बटन को प्रेस कर दें ताकि ऑप्शन के अंदर से बाहर। ड्यूल ऑप्शन जैसे आप प्रेस करते हैं ड्यूल आवाज़ आपको सुनाई देता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप चाहे तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को अलग से मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं। ठीक है, ड्यूल अगर एक्टिव हो गया तो लाइट जल जाता है। जैसे स्पीड अब जैसे दो आवाज़ आ रही है, ड्यूल अब माइनस प्लस करके मैं मेनू दिया गया है, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और वन टच ऑप्शन मैं लगभग पहली बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है मैं दोबारा बता दूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए BK3 के बारे में। ये सारे रिदम्स के ऑप्शंस हैं लेफ्ट साइड में, बाई तरफ लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं रिदम्स जैसे टोन्स। तो आप लोग इस इंतज़ार में तो होंगे कि भाई इसके अंदर किस तरीके से है, तो मैं वर्ल्ड लिस्ट ले लेता हूँ, ट्रेडिशनल वर्ल्ड लिस्ट 2, और 227 से स्टार्ट हो जाता है इसमें इंडियन रिदम्स। ठीक है, जितने भी भारतीय रिदम है ताल, ट्रेडिशनल वर्ल्ड 2 को प्रेस कर लें पहले। उस पर जैज़ है, बैलेड है, डिस्को डांस है, पॉप रॉक है सबसे पहला, और ट्रेडिशनल वर्ल्ड 2 में मिलता है भारतीय स्वर यानी भारतीय ताल। यहाँ पर लिस्ट मिलता है 227 में आप पहुँच जाएँ 227, एंड आफ्टर यू गेट ए सो मैनी इंडियन रिदम्स, या तो आप न्यूमेरिक बटन प्रेस करके 227 प्रेस करें तो आप इसी जगह पर पहुँच जाएंगे, दीपचंद। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा इंडियन स्टाइल। आप चार वेरिएशन आपको मिलता है, सिंक्रोनस स्टार्ट मिला हुआ है, टेम्पो बटन मिला गया, टैप टेम्पो दिया गया है, ऑटो फिलिंग दिया गया, बाज दिया गया है। अगर बाज आपको चाहिए नहीं चाहिए बिल्कुल तो उसको ऑफ कर सकते हैं, ऑटो फिलिंग नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा ऑप्शन है, ये सब बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मुझे अब ये प्ले कर रहा हूँ, अगर दूसरा मुझे अगला टोन चाहिए, अगला रिदम चाहिए यानी सॉरी, तो मैं जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, इंक्रीज बटन को, यहाँ देखिए बदल गया। ये तमिल डबिंग हो सकता है, आपको तमिल बीच में सुनाई दे रहा हो, क्षमा चाहता हूँ मैं। ये देखिए गरबा, ठीक है, जैसे गरबा चल रहा है, गरबा प्ले आइट रखे, मैं अप डाउन करके चेंज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज है। जैसे मुझे खेरवा चाहिए जैसे मुझे कोई भी चाहिए मैं पहले सेलेक्ट कर लूंगा और जो चाहिए उसे सेलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करूंगा, वो फटाफट बदल जाएगा। जैसे मैंने प्रेस किया बदल गया एट द टाइम ऑफ चेंजिंग। जैसे आर्टिस्ट कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, स्टेज में कलाकार है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि यार मैं कौन सा टोन लूँ, कौन सा रिदम लूँ। चाहे आप रिदम के लिए भी इस ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं, चाहे टोन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं रूपक लेना चाहता हूँ, ये प्ले हो रहा है, अगर आप इस ऑप्शन के बारे में समझ आएगा ज़्यादा। बाकी कीबोर्ड में क्या होता है, जैसे कि मैं कोई भी रिदम चेंज करूँगा तो अपने आप बदल जाएगा, इसमें नहीं बदलेगा। लेकिन इस कीबोर्ड की खूबी क्या है, अगर मैं इसमें से कुछ भी लिस्ट लेता हूँ, रिदम्स की लिस्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो चल रहा है वही चलता रहेगा जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा। अब मैंने डिस्को डांस प्रेस किया है और मैं एंटर कर रहा हूँ, अब देखिए मारिच। तो बी केयरफुल, आप बिल्कुल चौकस रहिए, कभी भी चेंज कर समय एंटर बटन का कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है आप समझेंगे तब जाकर आपको समझ आएगा परफॉर्मेंस, नहीं तो आपका जो परफॉर्मेंस है ख़राब हो सकता है। गरबा के बाद गोवा मस्ती, आप इसमें टाइटल पढ़ सकते हैं और धुन सुन सकते हैं, गुजराती पॉप। नेक्स्ट वन खेरवा। इन द
द बटन डायरेक्ट अवे नेक्स्ट पर न्यूट्रल बटन जो होता है डायरेक्ट नेक्स्ट कर देता है, कोई भी रिदम हो चाहे कोई भी टोन हो डायरेक्ट नेक्स्ट कर देता है, मतलब बदल जाता है पंजाबी। द नेक्स्ट वन रूपक, द नेक्स्ट वन सिंधी लाडला, द नेक्स्ट वन साउथ इंडियन, नेक्स्ट वन साउथ मस्ती। वी गेट अ फोर वेरिएशंस, यू गेट अ फोर वेरिएशंस, चार वेरिएशन मिल जाता है आपको। द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन द एंड ऑफ द इंडियन टोन्स, ऑलमोस्ट यू गेट द 15-20 रिदम्स ऑलरेडी। 50-40-45 इसमें आपको रिदम मिल जाते हैं, ताल मिल जाते हैं। अब जो ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ ये है सबसे बढ़िया और मज़ेदार ऑप्शन रोलैंड BK3 कस्टमर्स, BK5 BK3 रोलैंड के लगभग जितने हायर मॉडल हैं उसमें फ्री में आपको टोन्स और रिदम्स मिल जाते हैं उसके ऑथराइज्ड वेबसाइट से रोलैंड के। हो सकता है आपको मैं पिक्चर दिखा दूँ, वीडियो दिखा दूँ, या आप मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, या मुझसे भी आप पेन ड्राइव खरीद सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है 350-400 रुपये में, वो पेन ड्राइव आपको मिलता है, उसमें भरे पड़े हैं मीडी फाइल्स और टोन्स और रिदम्स। रोलैंड के अलग से हैं, यमा के अलग से हैं, केशियो के अलग से हैं, कॉर्ग के अलग से हैं। तो रोलैंड का अलग से मेरे पास है, तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए इस तरह का पेंड्राइव आपको परचेस करना पड़ता है, चाहे छोटा लें चाहे बड़ा लें, कम से कम 8 GB आप ले लीजिए, 4 GB भी चलता है वैसे। एक्सटर्नल मतलब कीबोर्ड के अंदर जो नहीं है उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिदम्स और स्टाइल्स, वो आपको मिलता है रोलैंड के वेबसाइट से, जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप चाहे तो आपको जानकारी है तो आप ले सकते हैं। तो पहले मैं पेंड्राइव को पीछे लगा देता हूँ इस तरीके से, और जैसे ही लगाता हूँ उसके बाद मुझे स्क्रीन में कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग करना होता है, चेंजेस करना होता है, तो इस तरीके से करना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा, USB करके कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो भी उसके बाद मैं आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, मज़ेदार ऑप्शन है। ये तमिल डबिंग हो सकता है आपको बीच में तमिल सुनाई दे रहा हो। सबसे पहले आपको USB मेमोरी प्रेस करना है, या ठीक है अगर गाना चलाना है तो USB ऑडियो। जैसे ही मैं USB मेमोरी प्रेस करता हूँ इस तरीके से ऑप्शन दिखता है, USB मेमोरी BK सीरीज इंडियन स्टाइल्स म्यूजिक डैट माई प्रेफरेंस परफॉर्मेंस सॉरी। उसके बाद नीचे जाता हूँ, डाउन की करता हूँ, माई रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, माई रिदम्स है, माई सॉन्ग्स है, यूज़र फाइल्स है, और उसके बाद इसमें मिडी फाइल्स मिल जाते हैं। ये सारे मिडी फाइल्स हैं, ये सारे मेरे पास हैं। मैं आपको ये सब मात्र 350 रुपये में बिल्कुल तैयार आपको पेंड्राइव आपके घर में पहुँचा देता हूँ, अगर आप गूगल पे अमेजोन पे फ़ोन पे अगर आप कर देते हैं तो। ठीक है, 8 GB का पेंड्राइव मैं सिर्फ 350 रुपये में देता हूँ, कुरियर चार्ज लग जाता है कभी 40-50 रुपये। इस तरीके से मैंने MP3 सॉन्ग्स के कलेक्शन बना रखे हैं, ये देखिए आप अपने पसंद के गाने, जैसे कि आप जागराता में चर्चिस में या भजन कीर्तन कुछ भी करते हैं तो आप MP3 में करोकी बना के रख सकते हैं। इधर मिडी भी अलग से चलता है, ये बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है, इसमें MP3 भी चलता है और मिडी भी चलता है और वेव भी चलता है, WA. जो फाइल्स कहते हैं ये सब मेरे बनाया हुआ है। मान लीजिए अगर मैं कुछ चलाता हूँ, मिडी फाइल्स है, जैसे ये देखिए ये MP3 है सॉरी। अब जैसे मैं चला रहा हूँ, स्टार्ट दबा रहा हूँ, अब देखिए सबसे पहले मुझे एंटर करना पड़ता है, फिर उसके बाद स्टार्ट दबाना पड़ता है। तो इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक और आपको सैंपल दिखाता हूँ। सबसे पहले USB मेमोरी को प्रेस करना है, उसके बाद अप डाउन करना है, उसके बाद MP3 सॉन्ग्स के लिए माई सॉन्ग्स फोल्डर में जाना है, जिस फोल्डर में आपने ये रखा हुआ पेनड्राइव में एंटर करना है, उसके बाद आपको जिस फोल्डर के अंदर आपका ट्रैक है उसके अंदर जाना है, एंटर करना है, और उसके अंदर इस तरीके से आपके MP3 सॉन्ग्स बिल्कुल ही CD प्लेयर की तरह दिखाएगा जैसे कंप्यूटर में दिखाता है। जो चाहिए आपको प्लस कीजिए और एंटर कीजिए और स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरा ये मिलेगा, ये सारा मैंने स्टोर करके रखा है, ये तमिल डबिंग है। पूरा ट्रैक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मैं इसको स्किप कर चुका हूँ। MP3 करोगी मिडी फाइल्स परफॉर्मेंस करते समय जैसे स्टेज में, जैसे कि आपको किसी पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है, आप इस कीबोर्ड को ले जाइए, सब कुछ इसी में मिल जाएगा, साउंड सिस्टम लगभग।
अब मैं पेंडर से कैसे रिदम्स निकालूं और टोन्स कैसे निकालूं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो कंपनी के मतलब दिए गए हैं कंपनी की ओर से। तो सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस बटन को प्रेस करता हूं यूएसबी लगाने के बाद। यहां पर मिलता है म्यूजिक असिस्टेंट फैक्ट्री सॉन्ग्स BKB_1 मिलता है, ठीक है, _1 तो इसका नाम है। उसके बाद इसको जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से फोल्डर अपने आप मिल जाएगा, जैसे मैं आपको पेंडर देता हूं अपने आप इसमें दिखेगा। जैसे आप इसी तरीके से आपको प्रेस करना है, जैसे ये ऑप्शन आ जाए तीसरा ऑप्शन BKB_1 इसी नाम से आता है। ये टोन्स है जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, स्वर यूज़ करने जा रहा हूँ। ये है प्रोफेशनल, जो कीबोर्ड के अंदर नहीं है, डाउनलोड किया हुआ टोन है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या दिखा रहा है। देखिए फ्लूट हारमोनियम तकरीबन 10 या 12-15 इसके अंदर है, मेरे पास तरीके 100 भी हैं। आप जिस तरीके से प्राइस देते हैं पेन ड्राइव खरीदते हैं आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग्स मुझे चाहिए, 2 नंबर पे ज़ेक्साफोन है, ये स्ट्रिंग्स है, किसी भी कीबोर्ड में नहीं है। रोलैंड के ऑप्शंस में सिर्फ ये मिलता है, ये ऑप्शन वगैरह। सुपर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैं इसके लिए शब्द कहने था, मतलब ये इसको कहते हैं असली कीबोर्ड, ठीक है। आप मानोगे नहीं, ये फ्लूट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तकरीबन जैसे कि 100 साल पुराना, मतलब जो उन दिनों में जैसे राज कपूर के दिनों में जिस तरह की जो ओरिजिनल फ्लूट होता था। पर मैं बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं सभी अपने जितने भी जो कलाकार हैं उन जनों को मैं नमन करता हूं। और सितार मिलता है, ये सब एक्सटर्नल है जो कीबोर्ड के अंदर नहीं है। नेक्स्ट वन इधर पाकला नंबर संतूर बैंजो अंदर मेरी टोन कटी। और एग्जिट करके बिल्कुल बाहर आ जाता हूँ, मैं बिल्कुल बाहर आ जाता हूँ। और उसके बाद मैं प्रेस करने जा रहा हूँ, ठीक है, यूएसबी मेमोरी को दोबारा प्रेस कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है बीके सीरीज इंडियन स्टाइल। तो जैसे ही आ जाए आपको क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। ये अब मैं प्रेस करने जा रहा हूँ रिदम्स, मतलब ताल। पहले मैंने स्वर, ये कीबोर्ड के अंदर नहीं है, बार बार बता रहा हूँ मैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ पेन ड्राइव से, ये बहुत ही। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ इसमें लिस्ट आ जाता है, अपड़ी पोर्ड करके नाम आता है भारत, जैसे मुझे चाहिए। मान लीजिए मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन भजन स्टाइल पाकला, एंटर करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। द नेक्स्ट वन भजन 2 பார்க்கலாம் சீக்கிரமா நான் முடிக்கிறேன் தோட, ஓகே. தென் பஜன் நெக்ஸ்ட் ஒன், தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சேம் காப்பியாக தான் இருக்கு, பாங்கரா. தென் பாங்கரா நெக்ஸ்ட் ஒன். ये सारे एक्सटर्नल रिदम्स हैं, मैं इसीलिए बार बार कर रहा हूँ, आप अपने कीबोर्ड में ट्राई मत कीजिएगा। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या मुझसे खरीदना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको प्ले कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2-3 बार अगर आप देख लेंगे इस वीडियो को पूरा आप कलाकार बन जाएंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन सिर्फ इस तरह का ऑप्शन आपको मिलता है रोलैंड में। iFinder का भी मेरे पास है वैसे, iFinder का, यमा का, केशो का, कॉर्ग का। द नेक्स्ट वन दादरा 2, नेक्स्ट वन फास्ट कोली, द नेक्स्ट वन गैंच, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेम, एक्चुअली दीज ऑल आर दी प्रोवाइडेड बाय रोलैंड कंपनी, सो सम ऑफ द स्पेल आई कैनॉट बी प्रोनाउंस प्रॉपरली।
सो इधर पता है ना, कुछ तरह कुछ कुछ शब्द तो इस तरीके से रोलैंड ने नाम इस तरीके दिए हैं, वो मुंह में ही नहीं आ रहा, मतलब शब्द ही नहीं समझ आ रहा, मतलब क्या उसका जो उच्चारण क्या है। गरबा टू ठीक है, बढ़िया है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। गजल हो गए, सभी कलेक्शन है, राजस्थानी गजल्स, भोजपुरी, बंगाली, इसमें सब भरे पड़े हैं, मतलब काफी, मतलब रिच है। रिच मतलब उसको मैं सही शब्द बताऊं क्या, मतलब काफी ओरिजिनलिटी जो होती है ना, जो इफ आई परफॉर्मेंस कंटिन्यू वीडियो रोम लॉन्ग आई रू दे नेक्स्ट वन हरमन हमन हीमन समथिंग व्हाट आई डू वाट्स रोम सुपरा इरुकुम तो वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए तो मैं शॉर्ट करता हूँ थोड़ा इसको। और खेरवा आपको पता है सबका फेवरेट होता है, देन खेरवा थ्री ऑल्सो, दो तीन खेरवा दिया गया। The next one also we have getting a one more khirwa that is known as the next one Kishorda, the famous, everyone know Kishorda. The next one Kolaveri, everyone known as Kolaveri, that's a DJ song, let's go to Kolaveri. The next one, Koli. It's a Maharashtra. The next one, Lavanya. Sorry, it's a Lavani. The next one, Lavani 2. The next one, कुछ नाम तो मेरे मुंह में नहीं आ रहे, सॉरी समथिंग दिस इज द नेक्स्ट वन कवाली टू ऑल्सो देर लॉट ऑफ रिदम्स इन द रोलैंड एक्सटर्नल कवाली टू। ऑलरेडी आई टोल्ड टू यू, मैं सब बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, आप इस कीबोर्ड में हाई टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, गया है ये, आप जब तक अनबॉक्सिंग नहीं देखें तो ज़्यादा नहीं समझ आएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे कलाकार भाइयों से, देवियों से, सज्जनों से, आप सबसे पहले रोलैंड का जो मैंने अनबॉक्सिंग किया उसे ज़रूर देखें, बार बार मैं कह रहा हूँ उसे ज़रूर देखें, उसके बाद इसे देखें तो जाकर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये काफ़ी जा रहा है रोलैंड बी के थ्री, जितने भी खरीद रहे हैं अब तक, मतलब सारे कलाकार ही मुझसे खरीदते हैं, ये जैसे जागरण करने वाले जो स्टेज परफॉर्मेंस वाले होते हैं वही खरीदते हैं सबसे ज़्यादा मेरे पास ये, मतलब एंड ऑफ दी एक्सटर्नल रिदम्स मैं कह सकता हूँ, मतलब बहुत सारे, मैंने तो इसको शॉर्ट कर दिया, अगर मन ही नहीं कर रहा, मतलब इसमें इतने सारे भरे पड़े हैं, ये ऐसा कीबोर्ड है, मतलब एक जादू का कीबोर्ड है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने टाइटल ही पहली बार ऐसे ही दिया था कि ये जादू का मशीन है, बिल्कुल ये छोटा सा जादू का मशीन है, इस तरीके से ऑप्शन है इसके अंदर। मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप निश्चित इस कीबोर्ड को खरीद सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स को ना दिलाएं, फ्रेशर्स को ना दिलाएं, और ज़रूर अनबॉक्सिंग देखें, और जितने भी मैंने कीबोर्ड के मैंने अनबॉक्सिंग किए हैं और उसको देखे तो जाते हैं, ठीक है। आप हमारे इस चैनल से भी जाकर, मतलब यूट्यूब से देख सकते हैं, और बहुत से ऑफर्स हम दे रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए 30-40% हम कभी कभी डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, हो सकता है बोर हो गए हो, लेकिन मैं बार बार बताता हूँ, रेफरल चार्ज, फालतू के चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई कोई चार चार GST लगाते हैं, हम सिर्फ एक GST लगाते हैं, और पैकिंग, डिलीवरी, ये सब बहुत ही रीजनेबल चार्ज होता है, और ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पहुंच जाता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में थोड़े से हमारे कस्टमर्स के लिए हमें परेशानी हो सकती है, मतलब थोड़ा लेट आ सकता है, क्योंकि हमारा वहाँ पर कोई चैनल बन नहीं पा रहा, हमारा कोई स्टोर नहीं बन पा रहा, बाकी दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, नागपुर में, भोपाल, वहाँ पर भी है। तो आप इसको बेझिझक होकर खरीदिए, एक बहुत ही बढ़िया, अगर नए चैनल में है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार देते रहिए, और एक बार मैं आप तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और बहुत सी खूबियां इस चैनल में आती रही, जब तक सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।